पिछले दिनों उन्नाव जनपद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। वीडियो में कुछ बच्चे जीआरपी सिपाही के जाने पर रोते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब इस जीआरपी सिपाही को यूपी के डीजीपी ने लखनऊ बुलाकर सम्मानित किया। तो आखिर क्या था पूरा मामला, पहले आप ये जान लीजिए। दरअसल ये वायरल वीडियो नाव के रेलवे स्टेशन के करीब कोरारी कला गांव का है, जहां साल 2018 में सिपाही रोहित यादव का तबादला उन्नाव जीआरपी में होता है। वहां पे अपनी ड्यूटी के दौरान कोरारी स्टेशन पर ट्रेन के रुकते ही भीख मांगने वाले बच्चों को देखते हैं। इन गरीब बच्चों की स्थिति देखकर रोहित का मन भाव विभोर होता है, और जिसके बाद वे इन बच्चों को फ्री में पढ़ाने का निर्णय लेते हैं और स्टेशन के ही पास पेड़ के नीचे उन्हें पढ़ाना शुरू करते हैं। इस दौरान रोहित दो और शिक्षकों की मदद से इन बच्चों को पढ़ाते हैं, और इसके लिए वे दोनों शिक्षकों को अपने वेतन से 2,000 रुपए भी देते हैं। अब इस गांव का आलम यह है कि आसपास की मलिन बस्तियों के 100 से अधिक बच्चे कांस्टेबल रोहित यादव द्वारा शुरू की गई पाठशाला में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों रोहित का जैसे ही ट्रांसफर हुआ, उसके बाद बच्चे रोहित के जाने पर भावुक हो गए। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होने के बाद रोहित के इस सामाजिक कार्य की जहां लोगों ने प्रशंसा की है, तो वहीं अब इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के डीजीपी डीएस चौहान ने रोहित यादव को सम्मानित किया है। डीजीपी ने रोहित को सम्मान पत्र के साथ डीजीपी कमेंडेशन डिस्क देकर सम्मानित किया। तो वहीं रोहित की पाठशाला में पढ़ रहे बच्चों के लिए डीजीपी की तरफ से किताबें और पढ़ाई लिखाई की सामग्री भी भेंट की गई। अब रोहित के इस नेक काम के जज्बे को जानने के लिए झांसी से हमारे सहयोगी अमित श्रीवास्तव ने रोहित से बात की और जाना कि आखिर उन्हें ये प्रेरणा कहां से मिली। उत्तर प्रदेश पुलिस में हैंड कांस्टेबल की पोस्ट पर रहते हुए उन्नाव में सोशल मीडिया के हीरो बने रोहित कुमार इस समय झांसी में तैनात हैं। आइए हम उनसे जानते हैं आखिर कैसे वो रातों रात सोशल मीडिया पर इतने छा गए हैं। जी रोहित कुमार जी, आपका सोशल मीडिया पे एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, कैसे प्रेरणा मिली और क्या कहानी है? सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये शुरुआत 2018 में मेरी पोस्टिंग उन्नाव जीआरपी थाने में हुई थी। तो वहाँ से ट्रेन में बतौर सुरक्षा कुरारी कला स्टेशन होते हुए रायबरेली जाते थे, तो वहाँ हमने देखा कि बहुत से बच्चे प्लेटफॉर्म पे और ट्रेन में भीख मांगा करते थे, और बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जूते पॉलिश वगैरह अन्य कार्य ऐसे करते थे। तो हमने ये जब देख के हमें बहुत बहुत ख़राब लगा, तो अगले दिन हम अपनी बाइक से वहाँ बस्ती में पहुँचे, तो वहाँ उनके गार्जियन से पता किया कि आप इनके बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, ये बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो हमने उनको पढ़ाने के लिए संकल्प लिया और उनके अभिभावकों को इस शिक्षा के बारे में बताया। धीरे धीरे ये मेरा कारोबार शुरू हो गया, और वहीं हमने स्टेशन के बगल में खुले आसमान के नीचे पेड़ के नीचे ये पाठशाला हर हाथ में कलम पाठशाला की शुरुआत करी। कुछ ही समय में 5 बच्चे जुड़े, धीरे धीरे करके बच्चों की संख्या बढ़ती गई। तो वहाँ नज़दीकी किराए पर रूम लिया। धीरे धीरे करके आगे ये जानकारी DPRO सर को हुई, तो उन्होंने एक बगल में 500 मीटर दूर पंचायत भवन में इसकी व्यवस्था करवाई। आज इस पाठशाला में 125 बच्चे पढ़ रहे हैं। जब मेरा ट्रांसफ़र अभी GRP में पूरा समय होने पर ट्रांसफ़र झांसी हुआ, तो एक विदाई समारोह का प्रोग्राम रखा गया था। उस विदाई समारोह प्रोग्राम में बच्चे बड़े भावुक हुए और लिपट के और चिल्ला के रोने लगे। ये इतना मतलब दुखद था कि ये हमें भी मतलब आज भी मतलब मेरे कानों में ये बातें गूंज रही हैं, बच्चों की रोने की आवाज़ें गूंज रही हैं। रोहित जी, कैसे आपको प्रेरणा मिली ये सब करने के लिए, कैसे आप प्रेरित हुए पाठशाला चलाने में? सर मेरे पापा एयरफोर्स में रिटायर हुए थे 1983 में, तो वहाँ पे गांव में काफ़ी रूरल एरिया था उस समय, बच्चे बहुत दूर दूर स्कूल थे, बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते थे, खासतौर से लड़कियाँ बिल्कुल नहीं जा पाती थी। तो पापा ने सन 1986 से करीब 4 वर्ष तक 90 तक फ्री निःशुल्क स्कूल चलाया था। जब हम आज भी काफ़ी समय तक वो स्कूल के ब्लैक बोर्ड वगैरह रखे रहते थे। हुआ क्या था कि जब पिताजी की आर्थिक स्थिति ख़राब हुई,
तो वो व्यवस्था नहीं चल पाई। तो हमने वो काफ़ी समय तक उनके ब्लैक बोर्ड से अपनी पढ़ाई लिखाई करी, तो हमें वो कहीं ना कहीं प्रेरित करती रही कि हम भी आगे पिताजी का एक सपना है पूरा करें। आज भी पिताजी का फ़ोन आया तो उन्होंने बताया कि अगर ज़रूरत पड़े बच्चों के आवासीय स्कूल के लिए तो हम अपनी पूरी ज़मीन से आधी ज़मीन बच्चों के आवासीय स्कूल के लिए राज्य सरकार को या किसी NGO को दे के अपने ये बच्चों के लिए ये उनका संकल्प पूरा हो जाए। अभी क्या क्या समस्या आ रही है, कैसे सुधार की गुंजाइश हो, इन बच्चों को कैसे शिक्षा मिले? बच्चों का शिक्षा के प्रति जुड़ना एक बहुत ही ज़रूरी है, और वहाँ देखा हमने कि काफ़ी मलिन बस्ती है, वहाँ गंदगी है, वहाँ बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, कोई उनकी सुविधाएं अच्छी नहीं है, पानी पीने को शुद्ध नहीं है, ये सब सुविधाएं अच्छी कराई जाएँ। साथ ही उनके बहुत से ऐसे अभिभावक हैं जिनके पास ना तो वृद्धावस्था पेंशन है, ना ही कोई उनको बस गवर्नमेंट सुविधाएं मिल पा रही हैं, तो उनको ये सारी सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से दिलवाई जाएँ, और साथ ही बच्चों को प्रेरित करने के लिए ये लगातार प्रयास सरकार की तरफ से भी चलाया जाए और इसमें सहयोग किया जाए। रोहित जी, अब आप झांसी आ गए हैं, अब कैसे संचालित होगा आपका पाठशाला वहाँ बनाया हुआ? वहाँ पे ग्राम प्रधान से लेके वहाँ प्रदीप सर हैं उनका, और पूरे वहाँ जो टीचर स्टाफ है उनका बहुत अच्छा सहयोग मिला है। ये सहयोग और उन्होंने वहाँ पे एक NGO प्रकाश पंच फाउंडेशन नाम से एक संचालित हो रही है, तो उस NGO के माध्यम से ये काम चलता रहेगा, और बीच बीच में हमें जब भी मौका मिलेगा तो हम जाते रहेंगे उनके बीच में। और रोहित जी, कैसे आप उन लोगों की व्यवस्था करते थे, बच्चों की पुस्तक की, लेखन सामग्री की, और कैसे ड्रेस की व्यवस्था होती थी, क्या अरेंजमेंट रहता था? ये हम अपनी खुद सैलरी से अपने स्टेशनरी वगैरह कापी पेंसिल कलम ये सब अपनी सैलरी से देते थे, और साथ में दो टीचर भी ऐसे रखे थे क्योंकि ड्यूटी कभी कभार दिन में पड़ जाती थी तो नहीं पहुँच पाते थे, तो दो टीचर मेरी तरफ से रखे गए थे और बाकी चार टीचर निःशुल्क वहाँ से शिक्षा दे रहे हैं। अब आप क्या अपेक्षा रखते हैं सरकार से, क्या मदद की उम्मीद करते हैं, सरकार क्या मदद करे कि वो संचालित होती रहे पाठशाला? जी सर, अगर सरकार अगर उन पर ध्यान दे तो उनकी आगे की शिक्षा बहुत बेहतर हो सकती है, तो उन पर हम यही कहेंगे कि उनके लिए एक विशेष तैयार टीम तैयार की जाए, और उन ऐसे बच्चों के लिए जो पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ एक बड़ा योगदान होना चाहिए। ये थे रोहित कुमार जी, उत्तर प्रदेश पुलिस में हैंड कांस्टेबल की पोस्ट पर तैनात हैं, इनका झांसी ट्रांसफर हो गया। ये रातों रात उन्नाव में गरीब बच्चों को शिक्षा देने के लिए सोशल मीडिया के हीरो बने हुए थे। उन्नाव से विशाल चौहान के साथ झांसी से अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट, UP तक।